अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में कई ऐसे लोग हैं जो तालिबानियों को सही ठहराने में जुटे हैं। मकसद उनका कुछ भी हो, पर उन्हें दिल्ली के लाजपत नगर और जंगपुरा में रहने वाली इन अफगानी महिलाओं की बात जरूर सुननी चाहिए। ये महिलाएं तालिबानियों के आतंक से इतनी डरी हुई हैं कि इन्हें अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब कहां जाएं, किसे अपना देश कहें। इस मीटिंग का मकसद ये है कि यहाँ लोग जो है ना, ये सब यूनिसीआर में रजिस्टर हैं और ये सब रिफ्यूजीज लोग हैं, हम सब मतलब रिफ्यूजीज लोग हैं, और हमें अपने हक यूनिसीआर से मांगना होगा कि हम जब यहाँ आए हैं तो हमारा फ्यूचर का मतलब क्या होगा। हम अफगानिस्तान भी दोबारा नहीं जा सकते हैं और हम मतलब यहाँ पे कब तक हम जिए, हमारा मतलब ज़िंदगी यहाँ ख़राब गुजर रहा है। तो हम यूनिसीआर से ये चाहते हैं कि हमारा जो हमारा हक है वो हमें दीजिए। पहले बार जो आए थे वो 20 साल पहले, जब वो लोग थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि मतलब उस टाइम तो बहुत जुल्म और शोर शबा बहुत ज़्यादा थे, मतलब औरत के ऊपर ज़्यादा जुल्म था, मर्दों के ऊपर ज़्यादा जुल्म था। अभी वो लोग कह रहे हैं कि वो उस तरह काम नहीं करेंगे, लड़कियाँ स्कूल जा सकता है, जा सकती हैं और सब अपने अपने काम पे मतलब जा सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। मैं 2 साल हो गए अफगानिस्तान में आया है, इधर ज़िंदगी किया। मैं अफगानिस्तान भी कुछ भी नहीं जा सकता, अफगानिस्तान भी लड़ाई है, उधर हालात सही नहीं है। अभी तालिबान है, वो फोटो देखे वो सब सच है, उधर तस्वीर है। तालिबान झूठ क्या रहे हैं, तालिबान पहले से आए, कितने साल पहला मैं ये लड़ाई से मैं पैदा हुआ। अभी मेरा एज 40 है, 40 साल उम्र है मेरा, ये लड़ाई है, मैं बूढ़ी हुआ, ये लड़ाई है। कब ख़त्म हुआ लड़ाई हमारा कंट्री में? मैं हिंदुस्तान में खुश हुआ, इंडिया अच्छा लोग है, इधर भी रहते हैं, कितने साल हो गए रहते हैं, मैं नहीं जा सकती, ये सब नहीं जा सकते, सब नाराज़ है अफगानिस्तान में तालिबान जैसे। हमारा कंट्री में अच्छा कंट्री है, लेकिन लड़ाई है। तालिबान बताया, लड़कियों का बताया, लड़की का बताया, वो तालीम मत करे, स्कूल बंद है। उसका 6 साल से बड़ा लड़की नहीं जानता कि वो पढ़ाई किया, उसका पढ़ाई ज़रूरत है, स्कूल जाना ज़रूरत है, यानी घर में बेटी ज़रूरत है। थाली बच्चा लोग नहीं है बिल्कुल। बड़ा लड़कों बताया भैया आप मेरा साथ जहाद किया, क्या जहाद है, ये जहाद है, मेरा गर्दन भी कट किया, ये जहाद है, ये बिल्कुल जहाद नहीं है। मैं तालिब नहीं जानता हूँ, तालिब अच्छा लोग नहीं है भाई, कुछ भी नहीं जानता हूँ तालिब। मैं इधर ज़िंदगी अच्छा है, इधर रहते हैं इंडिया में, आराम ज़िंदगी है इंडिया में। थैंक यू इंडिया लोग से बहुत थैंक यू। इसीलिए आए हम यहाँ पर के ताकि हमारा कोई आवाज़ सुने। मेरे 2 बच्चे, मैं अपने 2 बच्चे के साथ इधर ही रहती हूँ, सबका प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है, हम सबका एक ही प्रॉब्लम है। तो वहाँ का हालत ख़राब है, जो वहाँ से हमारे लिए पैसे आते थे, जो भी आते थे, वो सब बंद हुआ है। अब हम क्या खा लें, क्या पी लें, हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, मैं तो बहुत चोटती थी कि पहली बार जब अफगानिस्तान आई थी मैं बहुत चोटती थी। 20 साल पहले हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान गए थे, फिर वहाँ से वापस आ गए, 1 साल काबुल में रह रहे थे, फिर वहाँ से वापस इधर आ गए, इंडिया में आ गए। जब से तलबा का कब्ज़ा हुआ है तो हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर, मेरी फैमिली भी वहाँ पर है, तो परेशानी हमारा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी यहाँ पर भी। जब से हमें पता चला है कि वहाँ का हालात वो भी बिगड़ रहा है, तो हमारा सारी फैमिली वहाँ पर है, तो हमें परेशानी बहुत ज़्यादा है। तालिबान के बारे में तो हम सब देख रहे हैं कितना ख़तरनाक है, एक जानवर की तरह है वो। तालिबान अफगानिस्तान में है, हमें बिल्कुल खुशी नहीं है, बहुत दुख है, दुखी बात है कि अफगानिस्तान को लिया एक अजनबी लोग आ गया है हमारे मुल्क में, पाचाई करता है, इस चीज़ के लिए कभी खुश नहीं होते हैं। बहुत दिन से हम सुन के, न्यूज़ देख के बहुत बहुत दुख है। यहाँ पे भी बहुत काफ़ी सारे लोग आया है इस बात के लिए कि कुछ हो जाएगा अफगानी लोगों के लिए, कुछ खा लेगा, देशों से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अगर हो सकता है, इम्पॉसिबल है, तो अफगानिस्तान के साथ मदद करें कुछ। तालिबान के साथ जितना सुना है मैंने, बहुत बुरा बात सुना, तभी मैंने तालिबान की फेस पे अच्छा नहीं देखा, हमेशा जो देखा एक बुरा सा फेस देखा मैं। और हर बंदे जो बात करता है एक पूरा बुरा कहानी है उन लोगों का, तालिबान की।
दौरे में, स्पेशली मेरा मम्मी का कहानी, जो अम्मी बचपन भी थी वहाँ पे तालिबान आया था, मम्मी अफगानिस्तान में थी, अम्मी का पापा नहीं थी, बड़े भाई नहीं थी, कुछ नहीं थे, अम्मी मेरा मम्मी का मम्मी उन लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे के साथ पाकिस्तान भाग गया है, और पाकिस्तान में रह रह के वहाँ पे भी पाकिस्तान कुछ अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे ही करते नहीं अफगानी लोगों के साथ। फिर जब अफगानिस्तान थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा शांत हो गया, दोबारा आ गया, अब हमारा दौरे में आ गया, फिर से तालिबान आ गया। हमें इस बात के लिए बहुत दुख है, मुझे विश्वास नहीं है इस बात पे, 0% भी विश्वास नहीं है इस बात पे कि क्या वो कभी अफगानिस्तान के साथ कुछ अच्छा ही कर लेगा, कभी नहीं ये बोला। लेकिन 7th class में कोई नॉलेज होता है, कोई आगे बढ़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है नहीं, और 7th class के बाद शादी कर लो, शादी क्या 7th class की बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, शादी करने के लिए मुनासिब है? नहीं है। तो इतना इसी कंट्री को, ऐसी देश को आगे कैसे बढ़ा देगा, लोगों को आज़ादी कैसे देगा इस तरह में, इस तरह काम करने की, इस तरह पॉलिसी बनने के लिए कोई आज़ादी नहीं होते हैं, कोई काम नहीं होते हैं। दरअसल दिल्ली में रह रहे अफगानियों के द्वारा जंगपुरा इलाके में बुधवार को एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें अफगानिस्तान से आए सभी लोग शामिल हुए और अफगानिस्तान के हालात पर अपनी चिंता जाहिर की। वहीं छोटे छोटे इन बच्चों ने अफगानिस्तान के झंडे को लहराकर देश के प्रति अपने प्रेम को भी जाहिर किया। यहाँ पर काफी साल हो चुका है, यहाँ पर आए कबूल नहीं हुए हैं, काफी मुश्किलात में हैं हम यहाँ पर, और बहुत मन नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान में जाए, वहाँ पर बहुत तालिबान है, जुल्म करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, रोना आ रहा है मुझे, मैं हम बिल्कुल कबूल भी नहीं हुए, नहीं जाना चाहती हूँ मैं अफगानिस्तान, बिल साल में बिल्कुल हम कबूल नहीं हुए, 7 साल में हम 12 साल भी हो चुके, अभी तक हम कबूल नहीं हुए हैं।